हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने जा रही हूँ घेवर रेसिपी। तो इसे बनाते कैसे हैं, चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। जितना मैंने शक्कर लिया है एक गिलास, उतना ही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है और थोड़ी गाढ़ी चाशनी आपको तैयार करनी है। हाथों में चिपचिपी होनी चाहिए और बस आप पतली ना रखें। तो ये बनके तैयार है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम तैयार करेंगे घेवर का बैटर। इसके लिए मैंने लिया है घी 4 चम्मच और इसमें हम डालेंगे बर्फ़। 2 से 3 टुकड़ा इसमें डाल दिया मैंने और अच्छे से हमें हाथों से अब इसे फेंटना है और फेंटते फेंटते ये मक्खन बन जाता है। ये देखिए मक्खन जैसा हो गया है और ये जो बर्फ़ है ये पिघल चुकी है। इसे हम साइड में हटा देते हैं और अब इसमें हमें मिलाना है 1 से 1.5 कप मैंने इसमें मिलाया है मैदा। 1.5 कप इसमें डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसमें मिलाना है ठंडा दूध, एकदम ठंडा दूध मैंने इसमें मिला लिया है 1 कप और 1 कप लिया है मैंने ठंडा पानी। इतना हमें डालकर मिक्स करना है। अभी आप देखेंगे तो ये बैटर थोड़ा गाढ़ा है दोस्तों। इसमें हमें मिलाना है फिर से 1 कप ठंडा पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें बिना गुठलियों वाला बैटर हमें तैयार करना है। अब इसके बाद इसमें हमें मिलाना है 1.5 चम्मच नींबू का रस। और देखिए हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है दोस्तों। अब आपको जब भी इसे बनाना है तब तक के लिए आपको इसे रखना है फ्रिज में। मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि जब भी हम तैयार करते हैं घेवर तो उसके लिए बैटर को हमें ठंडा रखना होता है। और इस बैटर को आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, तो मीडियम बैटर आपको रखना है इसका। तो अब हमें लेना है घी या फिर तेल ले लें आप। और मैंने एक लिया है ऐसा वाला पतीला। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो घी है इसे अच्छा गर्म कर लेंगे पहले हम, और उसके बाद ही हम चम्मच की सहायता से इसमें डालेंगे घेवर के बैटर को। पहले आपको मैं बना के दिखाती हूँ और इसमें मैं आपको पहले आवाज़ भी सुनाऊँगी कि इसमें कितनी तेज़ आवाज़ होती है जब हम तेल में डालते हैं घेवर बनाते हैं जब हम तेल में, तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है और बहुत ही संभल के हमें काम करना होता है। और जब इसमें से आप देखेंगे झाग आ रही है तो तब आपको बैटर को नहीं डालना है। जब झाग थोड़ी कम हो जाती है तभी आपको डालना है। रुक रुक के आपको चम्मच की सहायता से घेवर तैयार करना है और रुक रुक के आपको 2-2 चम्मच इसमें बैटर डालते जाना है। दोस्तों मैंने चम्मच से लगभग 25 से 30 बार इसी तरह से मैंने ये पतीले में डाला है बैटर को, और 25 से 30 बार मुझे लगता है 30 से भी ज़्यादा हो कई बार मैंने डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए। आप ध्यान रखिएगा कि रुक रुक के आपको डालना है। जैसे ही आपने डाला 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच जैसे आपने डाला वैसे आपको रुकना है जब तक झाग कम नहीं हो जाता है, तब तक आपको दूसरा बैटर नहीं डालना है। घेवर की रेसिपी में आपको तेल को गर्म रखना है, बीच में कभी आप मीडियम कर सकते हैं लेकिन कम, एकदम कम नहीं करना है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए नहीं तो घेवर बनता नहीं है। और जैसे आपने एक घेवर बना लिया तो उसके बाद आपको रुकना है, पहले तेल को अच्छा गर्म कर लेना है, उसके बाद ही आपको दूसरा घेवर बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसका आपको ख्याल रखना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एक तो आपको तेल अच्छा गर्म रखना है, दूसरा आपको बैटर को ठंडा रखना है। जितना हो सके उतना ठंडा रहे तो बैटर से अच्छा घेवर बनता है। और जब झाग आती है, आप देख सकते हैं कि पतीले में झाग ऊपर आने लग जाती है, तब आपको दूसरा घेवर का बैटर नहीं डालना है, पहले रुकना है आपको। तब आपको आधा मिनट रुकना है दूसरा बैटर डालने के लिए। दोस्तों देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा आगे कर लिया है और गैस को एकदम अभी कम कर लिया है मैंने क्योंकि घेवर बन गया है।
और थोड़ा सा हमें इसको और अच्छा कलर देना है, इसलिए चाकू से मैंने साइड से किनारे हटा दिए हैं और इसके वर को थोड़ा नीचे डीप कर दिया है मैंने, ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाए सुनहरा, और बहुत ज़्यादा डार्क सुनहरा नहीं करना है हमें, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चाहें तो चाकू से भी इसको निकाल सकते हैं बाहर, या फिर चिमटे की सहायता से आप निकालें, टूटना भी नहीं चाहिए, इसका भी ख्याल रखना है हमें। तो गैस हमें बंद कर देना है और बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है हमें। ये देखिए हमने बना लिया, एक घेवर मैंने बनाया और इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है, जितना भी बैटर है हमारे पास। तो लगभग मेरे से इतने बैटर में मुझे लगता है 6-7-8 मैंने बनाए हैं घेवर, और कुछ कुछ मुझसे बिगड़ भी गए थे, क्योंकि ये रेसिपी थोड़ा हार्ड है दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी अपने चैनल में, जिसमें मैंने एक बार घेवर रेसिपी बनाया था, घर में ट्राई किया था मैंने जब फर्स्ट टाइम, तो बहुत बिगड़ गया था मुझसे। फिर सेकंड टाइम मुझे समझ में आया दोस्तों कि हमें क्या क्या हमसे गलती होती है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा घेवर मैंने बना लिया है, और इसमें अभी हमें चाशनी लगानी है, और जो मैंने चाशनी है बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, तो थोड़ा कुनकुनी करके भी हम इसमें लगा सकते हैं, तो चाशनी से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। इसके बाद हमें, आप अगर चाहे तो घर में आप रबड़ी तैयार कर सकते हैं, या फिर खोआ मार्केट में मिलता है उसे आप घर में ला के और कढ़ाई में थोड़ा सा भून कर शक्कर मिला के आप लगा सकते हैं इसमें, जैसे मैंने ये किया है। इसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है। तो ये चीज़ें हमें चाहिए दोस्तों इतनी, ताकि घेवर हमारा और भी शानदार हो जाए खाने में। लास्ट में अगर आपके पास है सिल्वर लीव्स है अगर आपके पास, तो और अच्छी बात है दोस्तों। ये सिल्वर चांदी होती है जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इतनी चीज़ें लगाने के बाद, और ये जो खोआ है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है अगर आप घेवर में लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये घेवर रेसिपी बनके तैयार है। ये घेवर बहुत ही स्वादिष्ट बना है दोस्तों, आप इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं, और क्रिस्पी भी बना है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम तो किसी से बनता ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें इसमें ध्यान देनी पड़ती हैं हमें, जो हम ध्यान नहीं दे पाते, और इस वजह से ये घेवर कुछ बिगड़ भी जाता है हमसे। कोई बात नहीं, अगर आपसे पहली बार नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिएगा, जिस तरह से मैंने नहीं हारा, मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया तब जाके बना है। तो आप भी ट्राई करिएगा, और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। लास्ट का क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो वाला वीडियो जिसमें मुझसे रेसिपी बिगड़ गई थी, और ये वाला जो घेवर रेसिपी है ये कुछ दिन पहले मैंने बनाया था।